वहीं बस दुर्घटना से पहले का एक सीसीटीवी भी सामने आया है और इंदौर के सरवटे बस स्टैंड से निकली थी ये बस और टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है और इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए कुछ हद तक एक स्थिति साफ हो पाएगी कि असल मायने में इस बस के अंदर कितने लोग सवार थे उस वक्त। तो ये आप वो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं या वो तस्वीरें देख रहे हैं जो कि अब आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिनके जरिए ये आप साफ होता हुआ कुछ हद तक नजर आएगा कि असल मायने में इस बस के अंदर कितनी सवारी उस वक्त मौजूद थी। और जाहिर तौर पर इसी को लेकर के बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर इस बस के अंदर कितने लोग सवार थे, कितने लोग उस बस के अंदर मौजूद थे। ये दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये टोल की तस्वीर देख रहे हैं, जब टोल से होकर के ये बस गुजरती है तो उस वक्त की ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये वही बस है जो कि दुर्घटनाग्रस्त होती है, जिस बस को लेकर के हादसा होता है और ये माना जाता है कि इस बस के अंदर लगभग 15 सवारी उसके अंदर मौजूद थी, 15 सवारी थी। लेकिन क्या अभी तक आंकड़ा सामने आता है, क्योंकि इसको लेकर के अभी तक सवाल बना हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ कुछ ही लोग जो कि मध्य प्रदेश से थे वो इस बस के अंदर सवार हुए थे। और साथ ही साथ पुल के पास जब ये हादसा होता है तो उस वक्त कुछ लोग वहां पर मौजूद थे जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुए, तो ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है। लेकिन शुरुआत में जैसा कि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी बताया गया कि लगभग 40 से ज्यादा यात्री सवार थे, हालांकि बाद में बताया जाता है कि ये जो संख्या है वो फिलहाल कम है और जो लोग उस बस के अंदर सवार थे उस दौरान सभी की मौत हो गई है। वही मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट में सोमवार सुबह महाराष्ट्र रोडवेज की बस नर्मदा नदी में जा गिरी और अब तक 13 लोगों के शव बरामद हुए हैं, बाकी लोगों की तलाश भी की जा रही है। वहीं हादसे के जो चश्मदीद हैं उनसे हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता ने बातचीत भी की है। धार बस हादसे का चश्मदीद गवाह इस वक्त हमारे साथ है, क्या हुआ था? सर मैं कर्म करके अभिषेक करके आ रहा था और दो बाइक सवार रॉन्ग साइड से आ रहे थे, आते समय उस बाइक वालों को बचाने के चक्कर में उन दोनों ने मतलब बस वालों ने इधर से इधर करा, उनको बचाने के चक्कर में वापस उनने मोटरसाइकिलों को इधर काटा, काटने के बाद उस बस वाले का बैलेंस बिगड़ा और नीचे गिर पड़ी। क्या उस वक्त में रफ्तार बस रफ्तार में थी क्या उस वक्त में? नहीं सर, बहुत स्लो चल रही थी। अच्छा, बाइक सवार को बचाने में यह हादसा हुआ? हाँ सर। और फिर सीधा गाड़ी ये जो पुल का ब्रिज है इसे तोड़ते हुए नीचे गिरी? जी सर। तो लगभग उस वक्त आपने देखा कितने लोग, कुछ अंदाजा है कितने लोग उस बस में सवार रहे होंगे? सर मेरे को इतना नॉलेज नहीं था। मैंने अच्छा, तो खलघाट के कितने बजे की घटना है ये? 10 बजे की घटना है, सुबह 10 बजे घटना। अच्छा, जब बस गिरी सबसे पहले फिर किसको यहाँ कौन पहुँचा, किसे बताया? हमारे साथ में एक बड़े भैया चल रहे थे, वो वहाँ पर खड़े हैं, उनने 100 डायल किया और 100 डायल करके पुलिस को प्रोटेक्शन को बुलाया, उनने यहाँ पर आकर सब व्यवस्थाएं करी। घटना के कितने देर बाद में अगर हमें कह सकते हैं कि रेस्क्यू शुरू कर दिया गया था? सर 100 नंबर तो यहीं पे खड़ी थी खलघाट चौराहे पर, वो फटाक से आकर यहाँ पर रेस्क्यू किया। आपका नाम बता दीजिए। प्रकाश शर्मा। तो देखिए हमारे साथ प्रकाश शर्मा थे, चश्मदीद गवाह है, इन्होंने अपने आंखों से देखा कि हादसा कैसे हुआ। और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये वही ब्रिज है जिस ब्रिज पे इतना बड़ा बस हादसा हुआ है। और देखिए जब रॉन्ग साइड बस आ रही थी, रॉन्ग साइड आने के जब बस जा रही थी रॉन्ग साइड टू व्हीलर वाले गाड़ी वाले जो लोग हैं वो आ रहे थे और उन्हें बचाने में इतना बड़ा बस हादसा हो जाता है। देखिए मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ कि देख सकते हैं आप कि धीरे धीरे मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। इस वक्त नीचे दिखा सकता हूँ आपको कि रेस्क्यू चलाया जा रहा है। ये देखिए इस वक्त बचाव दल का जो लोग हैं वहां पे मौजूद हैं, ये राहत का कार्य किया जा रहा है। इस वक्त देखिए ये घटना स्थल वही है जो आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि इस ब्रिज को यहाँ से तोड़ते हुए बस नीचे जा गिरी क्रेन से, हालांकि बस को निकाल दिया गया है और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और इस तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रेस्क्यू चलाया जा रहा है, क्योंकि हादसा भी कितना बड़ा है। और देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब बस यहां से गिरती है तो नीचे पत्थर जो है, पत्थर के ये भाग है, कुछ पत्थर के छोटे मोटे जो यहाँ पे छोटा चट्टानी कह सकते हैं हम, इसमें गिरती इसके बाद पानी में जाती है, इसलिए जो हादसे में जो लोगों की मौत हुई है वो ज्यादा हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय बंगाली साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट, इंदौर। मध्य प्रदेश के धार में